गुड डे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डन नीट। इस कोविड सिचुएशन में सबसे पहले जो बात मुंह से आता है वो है कि स्टे सेफ यारो। तो देखिए, गार्डन से ज़्यादा सेफ प्लेस मुझे नहीं लगता और कोई है। तो इसके साथ साथ आपका जो प्लांट है उसे भी आपको सेफ रखना है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डाइंग प्लांट, आपका जो प्लांट लगभग मर गया उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो है दोस्तों। इसलिए मैंने दो प्लांट ले लिया, लगभग ये मर चुका है। देखिए, पहले वाला मैं दिखा दिया, तो ये दूसरा वाला, इसके अंदर बहुत घास फूस भी हो गया। पहले तो मैं इसे टोटल साफ़ करूँगा। देखिए, सफाई हो गया। वीडियो छोटा करने के लिए मैंने बहुत काट छाट किया दोस्तों। तो देखिए, ये लगभग सफाई, पहले आपको कोई अगर घास फूस हुआ तो उसे ठीक से सफाई करना पड़ेगा। तो आप लगभग सफाई, मेरा लगभग सफाई हो गया। तो दोस्तों, इस कैसे मैं ये ठीक करूँगा इसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ स्टे विथ मी दोस्तों। देखिए, ये सफाई करने के बाद मैं इसका रूट नहीं उठाऊंगा, मतलब इसे टोटल अपरूट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है आपका रूट में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से। तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा अभी। तो मेरा ये प्लांट लगभग ठीक हो गया। देखिए, सारे डालिया जो है ये एकदम सूख चुका है, थोड़ी बहुत जान इसमें अभी भी बाकी है। तो ठीक करने के लिए आपको ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा जो थोड़ी बहुत ज़िंदा है। तो अभी मैं ले लिया हाइड्रोजन पारोक्साइड सॉल्यूशन, ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो आप हाइड्रोजन पारोक्साइड लेके आइए। फिर क्या करना पड़ेगा कि कुछ पानी लेना पड़ेगा। देखिए, मैं करीबन 1 लीटर पानी ले लिया। तो इसमें ये जो मेरा बॉटल है हाइड्रोजन पारोक्साइड का, इसका लगभग आधा मैं इस 1 लीटर पानी में मिक्स कर लूँगा दोस्तों। फिर क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको इसका ऑक्सीजन देने के लिए, इस हाइड्रोजन पारोक्साइड में क्या होता है, जायमान ऑक्सीजन होता है। तो ये पानी मैं अभी ये प्लांट में दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो भी आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, पहला वाला मैं दे दिया, अभी दूसरा वाला जो प्लांट है मेरा, उसे भी यही पानी मैं दे दूंगा। और इस दोनों को मैं क्या करूंगा, कुछ दिन के लिए छांव में रख दूंगा। और तभी आप भी देख सकते हैं कि इसमें कैसे पत्तियां खिल उठता है। तो ये मेरा हो गया। तो अभी मैं रख दिया ये छांव में कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों, 7-8 दिन, लगभग 1 महीना हो गया। तो देखिए, ये मेरा पत्तियाँ छोटा छोटा निकल के आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और देखिए, ये इसमें जो छोटा छोटा प्लांट मतलब पत्तियाँ आ गया, यही निशानी है कि ये इस प्रोसीड्योर में आप आपके प्लांट सर्वाइव करवा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अभी देखिए, पत्ती बड़ा भी हो रहा है। तो ये जो दूसरे वाला प्लांट है, इसमें ये भी सर्वाइव कर गया। मैं दिखाऊंगा, छोटा पत्ता एकदम इसमें भी आ गया, तो ये भी सर्वाइव कर जाएगा। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। देखिए, ये भी स्टे कर गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो सर।